बसमीम एक्सरसाइज क्वेश्चन फोर पॉइंट थ्री फाइव इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस विद अ फोर इन टू वन मल्टीप्लेक्सर एंड एक्सटर्नल गेट्स आपके पास जो बुलियन फंक्शन अवेलेबल है वो सम ऑफ में है और फोर वेरिएबल फंक्शन है फंक्शन ऑफ फोर वेरिएबल्स गिवन कंडीशन ये है इन फोर वेरिएबल्स में टू वेरिएबल्स ए बी मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइंस के तौर पे यूज़ होंगे और रिमेनिंग टू वेरिएबल्स सी एंड डी मल्टीप्लेक्सर की डेटा लाइंस पे अप्लाई होंगे इन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए हम ये बुलियन फंक्शन फोर इंटू वन साइज के मल्टीप्लेक्सर के साथ इंप्लीमेंट करते हैं क्योंकि फंक्शन फोर वेरिएबल हैं तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ऑल पॉसिबल इनपुट्स होंगी जीरो टू फिफ्टीन सम ऑफ मेन टर्म में है इन मिन टर्म्स में आप वन प्लेस करेंगे तो टू टेबल को कंप्लीट करते हैं वन इनपुट कॉम्बिनेशन वन इसमें वन आएगा क्योंकि सम ऑफ मेन टर्म्स में है तो इधर वन प्लेस करेंगे थ्री में वन आएगा इनपुट कॉम्बिनेशन थ्री फोर ये फोर इनपुट कॉम्बिनेशन है इलेवन एलेवन वन प्लेस करेंगे ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन टवेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन ये आपने मेन टर्म्स इधर की जगह पे वंस प्लेस कर दिए और जो रिमेनिंग होंगे वो ज़ीरोज़ होंगे तो ये बुलियन फंक्शन है और इसका ये टुथ टेबल है ये रिजल्ट्स हमें चाहिए उस मल्टीप्लेक्सर से जिसको हम डिज़ाइन करने लगे हैं फोर वेरिएबल फंक्शन है और गिवन कंडीशन है कि दो वेरिएबल्स ए और बी सिलेक्ट लाइंस के तौर पे लेने हैं ये कंडीशन गिवन है ये वाले दो वेरिएबल्स और जो रिमेनिंग टू हैं वेरिएबल्स सी एंड डी उसको डेटा लाइंस के तौर पे लेने यानी इनको डेटा लाइंस के तौर पे और ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइंस होंगी आप देख रहे हैं इसमें ये जो सेलेक्ट लाइंस हैं टू वेरिएबल फोर इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं इसमें ये कॉमन इनपुट लाइंस। तो वन टू थ्री फोर फोर इनपुट कॉम्बिनेशन में ए बी कॉमन है ज़ीरो अगर रिमेनिंग इनपुट कॉम्बिनेशन पे देखें तो उसमें भी फोर फोर का ग्रुप बनेगा आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर इस में सेलेक्ट लाइन ज़ीरो वन है कॉमन है और नेक्स्ट फोर जो इनपुट कॉम्बिनेशन हैं ट्रुथ टेबल के उसमें सेलेक्ट लाइन वन जीरो कॉमन है इसी तरह लास्ट पे वन वन तो आप कह सकते हैं कि इसको अगर हम दो सेलेक्ट लाइंस लेंगे और दो डेटा लाइंस लेंगे तो फोर फोर के ग्रुप बनेंगे तो इसको फोर की ग्रुपिंग पूरे ट्रुथ टेबल को फोर की ग्रुपिंग में डिवाइड कर दें प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इस तरह के प्रॉब्लम को फोर वेरिएबल प्रॉब्लम को थ्री सेलेक्ट लाइंस के साथ और एक डेटा लाइन के साथ भी इम्प्लीमेंट किया था तो वो सबसे इजीएस्ट वे है कि आप थ्री सेलेक्ट लाइंस ले लें ले और एक डी वेरिएबल को डेटा लाइन के तौर पे ले लें तो उसमें दो दो की ग्रुपिंग बनती थी अगर आपकी सेलेक्ट लाइंस टू हैं और दो डेटा इनपुट लाइंस हैं फोर फोर की ग्रुपिंग वाली तो सॉल्व करते हैं अगर आप इस पूरे ग्रुप को देखो जैसे मैंने कहा है इसमें जो सेलेक्ट लाइन ए बी है वो कॉमन है ज़ीरो ज़ीरो तो इस ज़ीरो ज़ीरो पे देखते हैं आपने इस फंक्शन को फंक्शन ऑफ डेटा लाइंस के तौर पे लिखना होता है तो हमें इस ग्रुप के लिए यानी ए बी जीरो ज़ीरो सेलेक्ट लाइन के लिए देखना है कि इस फंक्शन को फंक्शन ऑफ सी डी कैसे लिखेंगे तो एक्चुअली देखा जाए तो ये टू वेरिएबल ट्रुथ टेबल आपको नज़र आ रहा है कि आपको एफ़ ये रिजल्ट चाहिए और ये इनपुट्स हैं सी एंड डी तो टू वेरिएबल से इस फंक्शन को इवेलुएट किया जा सकता है टू वेरिएबल मैप ले लें सी डी इनपुट्स हैं और एफ़ ये चाहिए आपने फंक्शन को लिखना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सी एंड डी तो इस टू वेरिएबल टू टेबल में वन चाहिए आपको ज़ीरो वन पे ये ज़ीरो वन इधर वन आएगा और वन है आपके वन वन पे तो वन वन पे और ज़ीरो वन पे वन वन है इसको अगर ग्रुप करें तो आपका ये जो एफ़ है एफ़ ये इक्वल टू तो डी होगा क्योंकि सी डिस्कार्ड हो जाएगा ज़ीरो और वन और डी वन है एफ़ इक्वल टू डी आप इसको ये जो आपका फंक्शन है इसको डी लिख सकते हैं ये आप डायरेक्ट भी ले सकते थे मैपिंग के बगैर अब आप देखें आपका एफ़ कॉलम वो है जो कि बिल्कुल डी के इक्वल है तो आप इस डी को देखते हुए भी एफ़ क्योंकि एफ़ को आपने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सी एंड डी तो आपको साफ नज़र आ रहा है इस ग्रुप इसको देखें तो ये एफ़ वही है जो सेम डी है तो एफ एक डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था अगर ये आप सेंस ना कर सकें तो टू वेरिएबल मेथड तो है ही नेक्स्ट इस ग्रुप के लिए आते हैं इसकी सेलेक्ट लाइन ए बी ज़ीरो वन है तो ज़ीरो वन सेलेक्ट लाइन के तौर पे आपका ये जो सी डी है आपको ये एफ़ चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सी एन डी दिस वन इसी तरह आप टू वेरिएबल मैप बना लें एफ़ आपका ये एफ़ के लिए और इनपुट सी और डी है तो इनपुट्स आपकी सी डी आपका वन चाहिए आपको ज़ीरो ज़ीरो पे तो ये फोर वेरिएबल जो टू टू वेरिएबल टू टेबल है इसमें फंक्शन आपका वन है सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो पे तो ज़ीरो ज़ीरो पे वन कर दें और इसके लिए जो रिज़ल्ट आएगा इस छोटे से प्रॉब्लम के लिए एफ़ क्या आएगा सी प्राइम डी प्राइम ए की वन है और उसकी मेंटम ये बनेगी तो ये आपका इस ग्रुप के लिए जिसमें ए बी ज़ीरो वन है आपका एफ़ इन द फॉर्म ऑफ सी एंड डी है सी प्राइम डी प्राइम इस ग्रुप को देखें इसमें डेटा जो इसमें सेलेक्ट लाइन है वो वन जीरो है कॉमन और आपने इस एफ़ को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सी एंड डी अगेन इस टू वेरिएबल प्रॉब्लम को मैप के ज़रिए सॉल्व करते हैं सी डी इनपुट्स और एफ़ और आपका एफ सिर्फ वन वन पे वन है यानी सी वन और डी वन सी वन डी वन के लिए ये बॉक्स और एफ़ को आप लिखोगे एफ इक्वल टू सी डी ये आपका फंक्शन बन गया सी डी अब नेक्स्ट सेलेक्ट लाइन जो आपका वन वन का ग्रुप है इस ग्रुप को एफ़ की फॉर्म में लिखेंगे एफ़ इसका होगा इन द फॉर्म ऑफ सी एंड डी उसी तरह टू वेरिएबल मैप लें इसमें टू वेरिएबल मैप लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फंक्शन आउटपुट तमाम टू इनपुट के लिए वन है तो आपका आपका इनपुट सी डी ज़ीरो ज़ीरो हो ज़ीरो वन हो वन जीरो हो या वन वन हो आपकी आउटपुट वन ही है तो इसलिए इसको मैप में लेके जाने की ज़रूरत नहीं एफ़ इक्ल टू वन ये आपके पास रिजल्ट आ गए अब आप जो गिवन कंडीशन है आपके पास मल्टीप्लेक्सर की वो आपके पास फ़ोर इंटू वन साइज़ का मल्टीप्लेक्सर है यानी फोर इनपुट्स हैं टू सेलेक्ट लाइंस होंगी और एक आउटपुट होती है तो फ़ोर इंटू वन फोर इनपुट वन आउटपुट और सिलेक्ट लाइंस टू होंगी इस प्रॉब्लम के लिए आपके ये ए बी सेलेक्ट लाइंस के तौर पे यूज़ हो रहे हैं इधर प्लेस कर दें और ये सी डी ये जो डेटा लाइंस हैं आई नाट टू आई आई थ्रू आई थ्री ये आपकी सी डी होंगी तो सी डी इधर प्राइम और अन प्राइम वर्जन ले लें अब आपने इन इन डेटा लाइंस को ज्वाइन करना है सी और डी प्राइम या अन प्राइम से तो यही रिजल्ट्स आप इधर ले चुके हैं आप सबसे पहले इस ग्रुप को देखें जिसमें सेलेक्ट लाइन है जीरो ज़ीरो अगर सेलेक्ट लाइन जीरो ज़ीरो होगी तो ये कौन सी डेटा लाइन सेलेक्ट करेगी आई नॉट? तो आई नॉट को आपने इस ज़ीरो ज़ीरो ने मल्टीप्लेक्सेस की आई नॉट सेलेक्ट करनी है आई नॉट आपकी फंक्शन एफ़ बननी है और एफ़ है डी तो आप इस डी को आई नॉट के साथ ज्वाइन कर दें इस डी को आई नॉट। तो इस जब ये सेलेक्ट लाइन दी जाएगी तो फंक्शन आउटपुट होनी चाहिए डी इस सेलेक्ट लाइन पे क्योंकि सिलेक्ट होनी है आई नॉट और फंक्शन आउटपुट डी होनी चाहिए इसलिए इस आई नॉट को डी के साथ कनेक्ट कर दिया सिमिलरली इसको देखें अगर आप मल्टीप्लेक्सर को ज़ीरो वन देते हैं ए ज़ीरो बी वन तो कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी आई वन या आई वन एफ़ जाएगी तो आई वन के लिए आपके पास एफ़ जो है वो सी प्राइम डी प्राइम है तो मीन्स आई वन इधर भेजना है और इस ग्रुप के लिए एफ़ है सी प्राइम डी प्राइम तो आपको इधर एक एंड गेट चाहिए सी प्राइम डी प्राइम मेंटम के लिए तो ये एंड गेट आपने आई वन प्लेस कर दिया जिसकी इनपुट्स हैं सी प्राइम और डी प्राइम तो आपने देखा ज़ीरो वन पे आई नॉट ने इधर जाना है और आई नॉट पे आपको फंक्शन क्या चाहिए सी प्राइम डी प्राइम तो इसलिए आई नॉट को इधर भेजना है और आपने आई नॉट पे क्या रिसीव करना है सी प्राइम डी प्राइम ताकि इस साइड पे फंक्शन आपका सी प्राइम डी प्राइम रिसीव हो इस ग्रुप के लिए देखते हैं आई टू तो आई टू पे आपने आई टू को सी डी आई टू सी डी रिसीव करना है तो आई टू के ऊपर एक एंड गेट लगा दें जिसमें सी रिसीव करना है ये सी के साथ है एक इनपुट और दूसरा डी के साथ तो आपको इधर सी मिलेगा और यही आई टू इस इनपुट पे इधर जाएगा तो एफ़ आपका सी आपको रिसीव हो जाएगा इस ग्रुप के लिए आई थ्री और आई थ्री वन है तो आप आई थ्री पे फिक्स्ड वन प्लेस कर दें तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन हो चुका है अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम अगर हम एक इनपुट ले लें ज़ीरो वन 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 ट्रुथ टेबल मेरे सामने है इस इनपुट पे ट्रुथ टेबल में ज़ीरो वन वन पे आउटपुट है ज़ीरो तो देखते हैं ट्रुथ टेबल तो इस इनपुट पे ज़ीरो एक्सपेक्ट कर रहा है देखते हैं ये जो हमने सर्कल डिज़ाइन किया ये इस पूरे ट्रुथ टेबल के लिए है तो ये इस कॉम्बिनेशन को भी वेरीफाई करना चाहिए तो देखते हैं ये इनपुट कॉम्बिनेशन पे ज़ीरो आता है यानी तो ये ए बी सी डी इनपुट है आपके फंक्शन की और फंक्शन आउटपुट इसके लिए ज़ीरो है जब ए बी सी डी इस सर्किट को देंगे जिसमें मल्टीप्लेक्सर यूज़ हो रहा है तो ज़ाहिर है इसमें सेलेक्ट ए बी आपने इधर प्लेस करने हैं ज़ीरो वन तो ये सिलेक्ट लाइन्स हैं ज़ीरो वन आप इधर प्लेस करोगे वन वन ये आपकी डेटा लाइंस हैं वन वन आप इधर प्लेस करोगे और ज़ीरो वन पे मल्टीप्लेक्सर ने यह डेटा लाइन सेलेक्ट कर रही है तो ये डेटा लाइन एफ पे जाएगी और देखें ये किसके साथ ज्वाइन हो रही है ये है सी प्राइम और ये है डी प्राइम मीन्स इस वक्त आपका सी वन है इधर ज़ीरो मिलेगा इधर डी वन है इधर डी वन है और इधर भी ज़ीरो मिलेगा इट मीनस ज़ीरो ज़ीरो आपका आई वन जीरो होगा और इस सेलेक्ट लाइन पे वही आपका इधर चला जाएगा तो आपने देखा इस इनपुट कॉम्बिनेशन को जब आपने इस सर्किट पे अप्लाई किया जिसमें इसको सेलेक्ट लाइंस पे दिया और इसको डेटा लाइंस पे तो आपका एज ए होल जो मल्टीप्लेक्सर से जो आउटपुट मिली है वो ज़ीरो मिली और आपने देखा ज़ीरो ही ट्रुथ टेबल एक्सपेक्ट कर रहा था तो इसलिए ये वेरीफाई हो गया इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे ए और बी ए हम सॉल्व कर चुके हैं अब हम बी के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं उसी तरह फंक्शन है फोर वेरिएबल और मेन टर्म्स आपको ये एक डिफरेंट दी है पार्ट बी के लिए सबसे पहले इन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे आपने वन प्लेस करने हैं वन पे वन आएगा टू फाइव सेवन टू फाइव सेवन एट टेन इलेवन ये टेन ये इलेवन थर्टीन फिफ्टीन ये थर्टीन है और ये फिफ्टीन इन पे वंस प्लेस कर दिए और रिमेनिंग होंगे ज़ीरोज़ तो एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये इसका ट्रुथ टेबल है और हमने इसके लिए एक ऐसा सर्कल डिज़ाइन करना है जिसमें फोर इंटू वन मल्टीप्लेक्सर यूज़ हो और जिसमें दो सेलेक्ट लाइंस ए बी और डेटा लाइन सी एंड डी होनी चाहिए गिवन कंडीशन है तो फोर वेरिएबल में जैसे कि हमें बताया गया है कि ए बी को आपने सेलेक्ट लाइंस लेना है और रिमेनिंग जो सी डी ये गिवन है और रिमेनिंग जो सी डी है वो डेटा लाइन के तौर पर हों वही बात टू इनपुट लाइन्स हैं डेटा लाइन्स तो इन टू इनपुट डेटा लाइन्स के लिए फ़ोर के ग्रुप में आपकी सेलेक्ट लाइन्स कॉमन है तो फोर फोर की ग्रुपिंग हो रही है इस पूरे प्रॉब्लम को आप फोर फोर के ग्रुप में चेंज कर दें क्योंकि आपने दो सेलेक्ट लाइन्स ली हैं और दो डेटा लाइन्स तो डेटा लाइन्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी की ग्रुपिंग बननी है एक डेटा इनपुट लाइन होगी तो दो दो की ग्रुपिंग दो डेटा इनपुट लाइंस होंगी तो फोर की ग्रुपिंग अगर थ्री इनपुट डेटा लाइंस होंगी तो एट एट की ग्रुपिंग चलेगी तो फोर फोर की ग्रुपिंग हमने कर ली अब हम उसी तरह ये कॉमन ग्रुप है सेलेक्ट लाइन ज़ीरो ज़ीरो के लिए इसको आपने फंक्शन एफ़ को लिखना है इस ग्रुप के लिए फंक्शन ऑफ सी एन डी तो उसी तरह मैप बनेगा पार्ट ए में जिस तरह से हमने किया था आपको वन चाहिए ज़ीरो वन और वन ज़ीरो तो इस छोटे से प्रॉब्लम के लिए इस ग्रुप का ये छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें टू वेरिएबल इनपुट्स हैं तो आपको वन चाहिए सी ज़ीरो डी वन ज़ीरो वन और दूसरी वन चाहिए आपको वन ज़ीरो पे वन ज़ीरो पे तो ये ऑड फंक्शन है कोई भी एडजस्टेंट नहीं है इसको हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिख सकते हैं सी एक्सक्लूसिव डी तो ये आपका एफ़ होगा सी एक्सक्लूसिव डी इस ग्रुप को देखें जिसकी सेलेक्ट लाइन है ज़ीरो वन इसमें सी डी के तौर पे जो एफ़ चाहिए हमें एफ़ फंक्शन ऑफ सी एंड डी तो इसके लिए टू वेरिएबल मैप लें सी डी इनपुट्स हैं एफ़ आउटपुट है वन प्लेस करने हैं ज़ीरो वन पे और वन प्लेस करना है वन वन पे तो ज़ीरो वन और वन वन पे ग्रुपिंग हो सकती है ये एफ़ को लिखा जा सकता है डी तो ये फंक्शन आप देखें यही जो फंक्शन है सेम वही है जो डी कॉलम में इस ग्रुप के लिए डेटा लाइन जो सेलेक्ट लाइंस हैं जीरो वन वन ज़ीरो कॉमन वन जीरो के लिए और सी डी फंक्शन एफ़ को लिखा जा सकता है फंक्शन ऑफ सी डी टू वेरिएबल मैप लेंगे वन प्लेस करेंगे ज़ीरो जीरो में और वन जीरो में और वन में तो थ्री वन आएंगे इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और एफ़ को लिखेंगे इस ग्रुप को अगर आप लिखते हैं ये आ जाएगा डी प्राइम इस ग्रुप को लिखते हैं तो ये आ जाएगा सी तो सी प्लस प्राइम रॉइम ये आ जाएगा एफ़ सी प्लस डी प्राइम ये आपका सिलेक्ट लाइन वन वन के लिए ग्रुप है फंक्शन एफ़ को लिखें इन द फॉर्म ऑफ सी एंड डी टू वेरिएबल मैप ले लें सी डी इनपुट्स के साथ और एफ़ वन ज़ीरो वन बॉक्स और वन वन बॉक्स में ग्रुपिंग करें और ये एफ़ होगा डी एज इट इज इसको डी को इधर प्लेस कर दें तो अब हमने ये रिजल्ट्स निकालने के बाद मल्टीप्लेक्सर की तरफ आते हैं और हमारे पास गिवन है फोर इंटू वन साइज का मल्टीप्लेक्सर जिसमें फोर इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है सेलेक्ट लाइंस टू होंगी जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये ए बी सेलेक्ट लाइंस के तौर पे है इधर प्लेस कर दें ये डेटा लाइंस हैं इनको सी दोन प्राइम और अन प्राइम वर्जन इधर प्लेस कर दें ताकि प्रॉपर आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री तक इनको पहुंचाया जा सके अब ये किसके साथ ज्वाइन होनी है ये ज़ीरो ज़ीरो अगर मैं देता हूँ तो सिलेक्ट होगा आई नॉट तो आई नॉट को इधर लेना है तो आई नॉट को किसके साथ ज्वाइन करें कि फंक्शन हमें मिल जाए सी एक्सक्लूसिव डी तो सी एक्सक्लूसिव डी आपने इस तक पहुँचाना है एक एक्सक्लूसिव ले लें ले जिसको सी और डी के साथ ज्वाइन कर लें अगर आप ज़ीरो ज़ीरो देंगे तो आई नॉट पर आएगा सी एक्सक्लूसिव डी और यही आई नॉट इधर चला जाएगा तो आपका फंक्शन ये आपको रिसीव होगा इसी तरह सेलेक्ट लाइंस ज़ीरो वन के लिए अगर जीरो वन प्लेस करता हूँ तो आई वन सेलेक्ट होगा आउटपुट के लिए और आई वन के लिए फंक्शन हमारे ये चाहिए तो आई वन को जॉइन कर दें डी के साथ आई को ये डी के साथ ज्वाइन कर दिया नेक्स्ट इसको देखते हैं वन ज़ीरो सेलेक्ट लाइन जो अगर देते हैं तो आई टू सेलेक्ट होगा और इस आई टू को आपने सी प्लस डी प्राइम लेना है और उसको आई टू पर प्लेस कर देना है तो आई टू पर आपके पास फॉर्म आएगी सी डी प्राइम इसका और गेट या आई टू पे आएगा और वो इधर आउटपुट पे चला जाएगा वन वन पे आई थ्री सेलेक्ट होनी है और इसके लिए आपका फंक्शन एफ है डी होना चाहिए तो आई थ्री पे डी के साथ इसको जॉइन कर दें तो ये आपका फोर इंटू वन मल्टीप्लेक्सर के साथ बुलियन फंक्शन डिज़ाइन हो चुका है इम्प्लीमेंट हो चुका है आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं वेरीफिकेशन के लिए मैं ट्रुथ टेबल से सिक्सटीन कॉम्बिनेशन है कोई भी कॉम्बिनेशन इस पे ट्राई कर सकता हूँ और उसका रिज़ल्ट देख सकता हूँ तो मैं ज़ीरो 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 वन इस इनपुट कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं जिस पे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है हमारा टूथ टेबल वन एफ़ वन चाहिए अगर आप इनपुट वन है ज़ीरो ज़ीरो वन आउटपुट चाहिए वन देखते हैं कि ये जो इस टूथ टेबल के लिए हमने सर्कल डिज़ाइन किया ये आउटपुट वन देता है या नहीं तो ये फ़ोर वेरिएबल में इस ज़ीरो ज़ीरो को सेलेक्ट लाइन पे प्लेस कर दें ज़ीरो वन को सी ज़ीरो डी वन इधर प्लेस कर दें और ज़ीरो ज़ीरो ने आई नॉट सेलेक्ट करना है और आई नॉट है डी एक्सक्लूसिव सी तो सी पे ज़ीरो है और एक्स एक्सक्लूसिव और गेट की दूसरे पे वन है तो इस पे डिफरेंट इनपुट्स आ रही हैं डिफरेंट पे आंसर आता है वन और वही आंसर आपका इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपने देखा आपने इनपुट दी ज़ीरो 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 वन यानी ज़ीरो 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 वन और आपको आउटपुट क्या दी ए वन इसका मतलब है ये इनपुट कॉम्बिनेशन वेरीफाई हो गया आप तमाम के तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस और उनकी जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो इस सर्कट से वेरीफाई कर सकते हैं तो आपका हमने सर्कट भी डिज़ाइन कर लिया और वेरीफाई भी कर दिया दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए